हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कदम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज। 26 नवंबर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अभी अभी हुआ है। आइए कैंडिडेट से बात करेंगे और जानेंगे कैसा रहा एग्जाम, क्या क्वेश्चंस थे, क्या पैटर्न था, कितने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन किए आपने? सर मैंने 65 क्वेश्चन किए। आपने कितने किए? 65। आपने? हमने सर 72 किए। आपने कितने क्वेश्चन किए? 100। क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स में? काफ़ी बेहतर क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के बारे में आ रहा है। क्या आ रहा है प्रधानमंत्री के बारे में? एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा पहला प्रधानमंत्री जिसने अपना कार्यकाल होने के पहले ही रिजाइन दे दिया, इस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्या क्वेश्चन आ रहा है? दी हिट गर्ल बुक पूछी गई थी। क्या क्वेश्चन था? दी हिट गर्ल के राइटर कौन है? द हिट गर्ल के राइटर कौन है? बायोग्राफी किसकी है? उन्होंने पूछा था कि इंदिरा आवास योजना कब चालू हुई थी। उन्होंने ये आज इसमें तो काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। कार्यक्रम का क्वेश्चन आया था, मन की बात कार्यक्रम का क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था? कि इसमें से नरेंद्र मोदी किस एक नरेंद्र मोदी ने कहा किससे मतलब किस बारे में बात करते हैं, किसके माध्यम से बात करते हैं जी? कितने अटेम्प्ट किए आपने? 50। कितने क्वेश्चन किए आपने? 82। आपने कितने किए? 90। क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स में? डिस्टेंस में और उसके करंट अफेयर्स के एक दो साल पुराने पूछे जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन थे? जैसे कि मुख्यमंत्री कौन था नागालैंड का, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। और क्या? और मैथ में कुछ चैप्टर पर संख्या पद्धति के थे, ठीक, एक वर्गन टाइम में था जो ठेकेदारी का होता है, न चक्रवृद्धि ब्याज, न साधारण ब्याज, न पाइप टंकी और नौ नौ दी। क्या क्वेश्चन थे बता सकते हो? एक तो संख्या पद्धति के दो तीन क्वेश्चन थे, एक वो दशमलव भिन्न करके थे, दो लाशक क्वेश्चन थे। क्या किसका लाशक पूछा गया था? ये मतलब 280 कुछ ऐसे आ रहा था, भी ऑप्शन में था। 50-30 लाशा था। वर्गमूल वगैरह पूछा गया? हाँ, वर्गमूल का 2 का, 35 का, ऐसे बटे में 1/2, 1/3 करके ऐसे क्वेश्चन था। अंडर रूट 34, 1/10, 1/100, 1/1000 का, उसके बाद बड़ी संख्या पूछे थे कौन होगी। भिन्न पूछी गई? हाँ, भिन्न के भी 2 क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन ध्यान दिया। क्या क्वेश्चन था वो? ऐसा कौन सा शहर है जिसे मैनो शहर कहा जाता है? क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस में? साइंस पूछते भाई हाइड्रोजन पूछते हैं। साइंस में फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है, सब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। क्या क्वेश्चन था वो? अरे मतलब कि फ्रिक्वेंसी की दिए थी मान दिया हुआ था और एक लैम्डा का मान दिया होता था, तो उसमें वी की वैल्यू निकालनी होती थी। गुरुत्वाकर्षण से कोई क्वेश्चन आया? हाँ आया था वेग का। क्या क्वेश्चन था वो? वही पूछे थे कि ये पानी का तुरंग वेग कैसे होता है। तो करंट से मन की बात वाला जो नरेंद्र मोदी के ऐप लॉन्च करे हैं, अपने मन की बात करने वाला माध्यम से वो अपने नागरिकों से बात करते हैं, अपनी मन की बात बताते हैं। और करंट अफेयर्स में द गर्ल हिट मतलब राइटर गर्ल के बायोग्राफी किसकी नाम की है? और रीजनिंग में क्या है? रीजनिंग में कतन इसका से रीजनिंग में तो काफी विंड डायग्राम आए थे और जंबलिंग आया था और ट्रू फॉल्स आया था। काफी क्या क्वेश्चन थे बता सकते हो? जैसे कि क्वेश्चन सब ध्यान नहीं है, घोड़ा बाघ जो था, किसी एक बार एक चॉकलेट होती है तो किसी को पसंद करता है, दो से कम क्या पसंद करता है, नहीं पसंद करता। कैलेंडर से कोई क्वेश्चन आया? नहीं, कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन नहीं। हिस्ट्री में आपको बताओ कुछ क्वेश्चन? हिस्ट्री में भी नहीं था, मैलोक शहर वाला ये हां ये मैलोक शहर का। बायोलॉजी में? बायो में काफी क्वेश्चन थे, टिश्यूज का था, एक जो है डेड सेल, जो डेड टिश्यू होता है वो किससे बनता है, ये क्वेश्चन आया था। आपने कितने अटेम्प्ट किए? सर 40। आपने? 60। और क्या पूछा जा रहा है फिजिक्स में? फिजिक्स में जस्ट लाइक काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या क्या क्वेश्चंस थे? और फिजिक्स में मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए। आपने क्या किया? हमने फिजिक्स बस ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हाई स्कूल इंटर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी से अटेम्प्ट किए हैं। इसी से कितने अटेम्प्ट किए आपने? 3 में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। कितने क्वेश्चन किए आपने? वैसे तो मैंने 60 किए हैं। रिलेशन से था। क्या क्वेश्चन था आपको? एक्स वाई उसकी माँ बहन है तो वाई जेड क्या होगा, रिलेशनशिप में पूछे थे। टाइम से कुछ पूछा, रेल से रिलेटेड, नल टंकी, टाइम वही तो पूछा नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे बता सकते हो? ये टाइमिंग का क्वेश्चन था, ये जो दिशा में इंडिकेट करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा से आ रहा है, कितना डिस्टेंस दूरी तक किया है, इस हिसाब से क्वेश्चन थे। मैथ में सर उसका ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आए थे। क्या क्वेश्चन आए थे ट्रिग्नोमेट्रिक में? साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, इस टाइप क्वेश्चन आए थे। हाइट डिस्टेंस? हाइट डिस्टेंस भी आया था। क्या आया था डिस्टेंस? तो सर ध्यान नहीं है सर, ठीक है। केमिस्ट्री में था, अमोनिया ऑक्साइड, साइंस ज़्यादा आ रही। क्या था साइंस में? साइंस ज़्यादा पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन की अपेक्षा साइंस ज़्यादा? मेथिल आइसोसाइनाइड और अमोनिया के ऐसे क्वेश्चन थे कुछ, जो
आपको टिक करना था, सिर्फ उसमें गलत कौन सा है और सही कौन सा है। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने किया 78। जनरल साइंस है, उत्को के बारे में, ऐसा जीव विज्ञान। क्या था जीव विज्ञान, क्या पूछा गया? अरे इसमें मानव संरचना, एक दो ऊतक थे इसी प्रकार के। साइंस रिलेटेड ज़्यादा इसी फिजी से थी, तो ज़्यादा उससे आया नहीं बाहर से। वनस्पति विज्ञान से कुछ नहीं था, जीव विज्ञान से ही था सब। आपने कितने किए? सर 75 क्वेश्चन किए। आपने कितने किए? 83। क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बायोलॉजी में? पूछे जा रहे हैं सर ज़्यादा कोशिका से। अरे भाई पादपों के बारे में पूछे जा रहे हैं ज़्यादा, और बॉटनी ज़्यादा आई थी। क्या आया था बॉटनी? बॉटनी में ये पेड़ पत्ती के बारे में आया था कि किससे क्या बनता है, मतलब प्रजनन कराएंगे तो अलग तरह से प्रजनन होगा। तो करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर सर 2016 का पूछा गया था, 17 का भी पूछा गया था, 17 का ही पूछा गया। प्रधानमंत्री योजना वाला पूछा गया थे क्वेश्चन, प्रधानमंत्री योजना के ज़्यादा क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे प्रधानमंत्री योजना वाले? कौशल विकास तहत ऐसे काफ़ी थे। हाँ ऐसे क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस में? साइंस पे साइंस ठीक है। कुछ क्वेश्चन बता सकते हो क्या क्वेश्चन थे? क्वेश्चन ऐसे था, पानी का सूत्र उतरता ऐसे H2O। और क्या केमिस्ट्री में कुछ रसायन वगैरह सूत्र? मैथ एग्जाम सस्ता था, मैथ के जो क्वेश्चन था सही थे। क्या थे सही थे? मतलब कि नॉर्मल हाई स्कूल इंटर नहीं थे, हाई स्कूल नाइन्थ के थे ज़्यादातर। क्वेश्चन में था जैसे कि sec 1 माइनस sin थीटा, sin थीटा 1 माइनस sin थीटा एंड sin थीटा माइनस tan थीटा का मान निकाला था उसमें। और रीजनिंग में सर उससे थे घड़ी से ज़्यादा क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन था घड़ी से? घड़ी से सर वही कोण वोण याद करने के लिए, कब दोनों सुइयां समान होगी, यही थे, इसी टाइप क्वेश्चन थे। छायावर्ती काफी क्वेश्चन आए थे, छायावर्ती भी आए थे। उसके बाद सर वो ब्लड रिलेशन का भी आया था। क्या क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन जैसे कि मतलब बताना था, रिलेशन बताना था उसमें। कुछ क्वेश्चन बता सकते हो क्या क्वेश्चन था वो? सर क्वेश्चन तो थे सर। कितने किए आपने अटेम्प्ट? अभी उसमें 75 हुए थे, जिसमें पूछे गए थे मतलब त्रिभुज के बारे में पूछा गया। इसमें कथन निष्कर्ष आया था, उसमें पूर्व धारणा वाले आया था सर, कंक्लूजन स्टेटमेंट आया था सर कथन निष्कर्ष में से, ज़्यादा उसी में से आया था रीजनिंग में। वेनारिक भी आया था, वेनारिक भी आया था। क्या था वेनारिक? वेनारिक में जैसे सर वेनारिक में चित्र बताना था, कौन सा भिन्न है कौन सा समान है, ये आया था। कितने क्वेश्चन किए आपने? सर 87। क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स में? करंट में नहीं, जीके पूछे जा रहे हैं और बढ़िया क्वेश्चन जो इस टाइम चल रहे हैं वो क्वेश्चन सारे पूछे जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन बता सकते हो? हाँ जी बता सकते हैं, जो भी करंट में पूछा गया, जो नए प्रधानमंत्री बने हैं ये है, और मतलब बाहर देशों के जो प्रधानमंत्री बने हैं ये नए करंट से जो अभी लेटेस्ट में न्यूज आ रही हैं वो सब पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री में किसी सूत्र पूछा वो? हाँ केमिस्ट्री में पूछा, मतलब IUPAC नेम दिया था सर, मतलब पहले वो दिया था और सूत्र, उसके बाद IUPAC नेम बताना था उसमें कौन सा गलत है कौन सा सही है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से ज़्यादा आवर्त सारणी से भी पूछा गया था, आवर्त सारणी जैसे कि उसमें पूछा गया कौन से सक्रिय तत्व हैं, कौन से ज़्यादा सक्रिय तत्व हैं, संक्रमण तत्व पूछे गए थे, मतलब ऐसे पूछे गए थे। केमिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन थे। मतलब सबसे पहले मतलब कौन सी फिल्म चली मूक फिल्म? तो हाँ ये अवार्ड वगैरह पूछा वो? हाँ जी अवार्ड पूछा था। किसका अवार्ड पूछा था? 2016 में सांस्कृतिक में किसको अवार्ड दिया गया था सांस्कृतिक क्षेत्र में? कितने क्वेश्चन किए आपने? 88 क्वेश्चन। आपने कितने किए? 50। क्या क्वेश्चन? माधिका वगैरह। क्या क्वेश्चन थे? माधिका से हैं। क्या था माधिका से? माधिका से आंकड़े निकालना। 93। आपने? 50। 80 90 क्वेश्चन किए। क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स में? करंट मतलब एक था इंदिरा गांधी, मतलब इंदिरा गांधी जो है मतलब आवास से कब किस सन में लागू होता है, ऐसे से मतलब थोड़ा बहुत विटामिन वन से कौन सा रोग होता है सब। मात्रक वगैरह पूछा हो किसी का? हाँ जी मात्रक भी पूछा। किसका मात्रक पूछा? सर तोरण का मात्रक पूछा है और वो पूछ रखे थे आवेश या गुलाम। आवेश का सदिश राशि पूछी? हाँ जी सदिश राशि अदिश राशि जी पूछ रखी थी, सदिश राशि अदिश राशि भी। निष्कर्ष में जैसे एक कुत्ता है और एक कुत्ता मतलब एक है, एक व्यक्ति है जो एक कुत्ता कहता है मेरे पास एक कुत्ता कहता है, मैं उसके बारे में जानकारी रखता हूँ, किस तरह कथन निष्कर्ष? टाइम एंड वर्क का भी आया था क्वेश्चन, और रेलवे और अपने टाइम से भी आया था, और रेल वो उसमें टेक्नोमेट्री से भी आया था। क्या आया था? टेक्नोमेट्री से वो मान पूछ रखे थे साइन थीटा कॉस थीटा और सेक थीटा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया।
छारी और बिलियन जैसे साइंस में हैं वो पूछे जा रहे हैं, मैथ में आए रेलवे संबंधित पूछे गए हैं सवाल। क्या क्या पूछा गया? जैसे रेल कितने समय में कितनी दूरी कितना तय करती है, यही इस तरह संबंधित। हाँ, कितने अटैम्प्ट किया आपने? हमने 80 अटैम्प्ट किए। जीके में ही पूछे गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने रेडियो पर कौन सी बात की रखी, मतलब मन की बात, इस तरह क्वेश्चन आए हैं। मैथ्स में? मैथ में भी अनुपात वाले आए थे, किलोमीटर वाले आए थे, समय अनुपात, सब चीज़ आए थे। एक वर्ग में कितने त्रिकोण है वो गिनना था। एक समभुज दे दिए थे जिसमें त्रिकोण पूछा गया था, उसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी होती है। तो आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन आज फर्स्ट चैप्टर में रेलवे ग्रुप टू एग्जाम है 26 नवंबर को पूछे गए, कैंडिडेट्स ने बताया और आपने देखा भी। तो ये था, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसा रहा एग्जाम, क्या क्वेश्चन थे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साइड में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। मैं हूं अमित करदम, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के लिए।